क्या कांग्रेस से आए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में अभी भी अपनी निष्ठा दिखानी पड़ रही है? क्या डॉक्टर हरक सिंह रावत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ डिनर करने के बाद नाराजगी दूर हो गई है? और क्या हरक सिंह रावत का कद अब पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर बढ़ने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद कई नेताओं की नाराजगी सामने आई थी, लेकिन अब डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। डॉक्टर हरक सिंह रावत की कल रात मुख्यमंत्री के साथ लंबी चर्चा डिनर टेबल पर हुई। बातें क्या हुई हैं इस डिनर पर, वो तो सबके सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक दर्द छलका है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनको उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और उनको अभी भी अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ती है। यही वजह है जिसका उन्हें अफसोस है, इस कारण वो पार्टी से थोड़ा सा नाराज हो गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपने घर पर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार किया था डॉक्टर हरक सिंह रावत ने। और जो पिछले 2 दिनों में तनातनी डॉक्टर हरक सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता है कि उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो गया है। हालांकि इस मुलाकात के बाद ये अटकलें जरूर लगने लगी हैं कि क्या डॉक्टर हरक सिंह रावत का कद भारतीय जनता पार्टी के भीतर या पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में बढ़ सकता है। ये सवाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से जो तवज्जो डॉक्टर हरक सिंह रावत को दी, उसके ये मायने निकाले जा सकते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत की पोजीशन त्रिवेंद्र सरकार में थोड़ी सी नाजुक थी। लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी तनातनी जग जाहिर थी। उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था, उसमें कई तरीके के अड़ंगे लगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जोड़ने वाला जो मार्ग बन रहा था, कंडी मार्ग, उस पर तमाम तरीके की अड़चने लगी। इसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत काफी पार्टी से नाराज रहने लगे। तीरथ सिंह रावत की सरकार में डॉक्टर हरक सिंह रावत थोड़े खुश थे क्योंकि उनके रुके हुए काम, विधानसभा के रुके हुए काम तेज होने लगे, जिससे पार्टी के भीतर या विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि थोड़ी सी बेहतर होने लगी थी। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरक सिंह रावत थोड़े से नाराज हो गए। हालांकि हरक सिंह रावत के अलावा कई और जो नेता थे वो भी नाराज हुए, और नाराजगी की जो वजह बताई जा रही थी वो ये था कि बहुत जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और इतने वरिष्ठ नेता कैसे एक जूनियर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने तमाम नेताओं के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनको अपने साथ लाने की कोशिश की। डिनर डिप्लोमेसी इसी का एक उदाहरण है, जब डॉक्टर हरक सिंह रावत को खाने पर बुलाया गया। तो अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या पार्टी और सरकार के भीतर डॉक्टर हरक सिंह रावत का कद पहले के मुकाबले बढ़ने वाला है। आप भी हमें बताइए ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।